This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV. कल बीजेपी ने निर्मल में तेलंगाना विमोचन दिनोत्सव मनाया। बीजेपी के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय पूरे तेलंगाना में पैदल यात्रा कर रहे हैं। कल उन्होंने पैदल चलते हुए निर्मल तक अपनी यात्रा पूरी की। इस मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह निर्मल पहुंचे। उन्होंने गुसाड़ी पहनावा पहनकर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चाहे जो भी हो जाए, हुजूराबाद में भाजपा जीतने जा रही है। चाहे मुख्यमंत्री केसीआर कितने भी पैसे खर्च कर ले, लोग तो भाजपा को ही वोट देंगे। अमित शाह ने कहा कि अब तेलंगाना की जनता को भाजपा का चुनाव चिन्ह देख लिया है। अब अगले चुनाव में भाजपा अपनी सरकार तेलंगाना में भी बनाने जा रही है। गोलकोंडा में अब की बार भगवा झंडा फहराने जा रहा है। बंडी संजय ने कहा कि जिन्होंने भी तेलंगाना की युद्ध में अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार वालों को भाजपा की सरकार पेंशन देगी। सरकार बनाते ही 17 सितंबर को तेलंगाना विमोचन दिनोत्सव को ऑफिशियल स्वीकृति दी जाएगी। नेताओं ने रामजी गुंड की मूर्ति को माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। रामजी गुंड ने निजामशाही के खिलाफ दो दो हाथ करते हुए बलिदान दिया था। निर्मल वो जगह है जहां एक ही दिन में 1000 लोगों को निजामशाही ने एक ही बरगद के पेड़ पर टांग दिया था। इन बलिदान को शायद केसीआर भूल गए हैं, लेकिन भाजपा नहीं भूली है, ऐसा अमित शाह ने कहा। इस प्रोग्राम में कम से कम 70 से 80 हजार लोगों ने भाग लिया। सिरपुर टाउन में 21 से 24 तारीख तक ग्राम सभा का आयोजन होगा। इस बारे में MPDO राजेश्वर जी ने सूचना दी है। 21 को चिल्लापल्ली मेरी पल्ली, 22 को इस सभा में अच्छेली चिंताकुंटा भोपालपट्टनम, 23 को लोनवेली करजेली डोरपल्ली, 24 को सिरपुर टाउन लक्ष्मीपुर विमपल्ली गांवों में ग्राम सभा होगी। गांव के अफसर और पंचायत सदस्यों के साथ जनता का सीधे तौर पर मुलाकात होगी, जिससे कि गांव वालों की समस्या सीधे रूप से सुनी जाएगी। पेंचिकलपेट के मोरलीगुड़ा इलाके में फिर से हाईवे पर टाइगर घूमता दिखाई दिया। इस इलाके में यात्रा करने वालों को हम ये सूचित करना चाहते हैं कि टाइगर दिन दहाड़े घूम रहा है। यात्रा करते समय सावधानी से जाए। फुर्सत मिले तो एक बार फॉरेस्ट ऑफिस में जाकर रेंजर्स से इस बारे में एक बार बातचीत कर लीजिए। वो आपको सभी सेफ्टी गाइडलाइंस दे देंगे। इस इलाके में रहने वालों में भी दहशत का माहौल है। इस गांव के नजरुल नगर पंचायत के अंदर फिर से एक बार नकली नोट का मामला सामने आया है। पिछली बार 200 के नकली नोट पकड़े गए थे, इस बार 500 रुपए के नकली नोट एक होटल मालिक ने पकड़ा। लोगों में इससे भारी दहशत है। कलेक्टर साहब को सिस्टम ने ठेंगा दिखा दिया। दहेगांव में इस खराब सड़क पर कलेक्टर ने 7 जुलाई को दौरा किया था और तुरंत इस खराब सड़क को बनाने के आदेश दिए थे, लेकिन कोई भी काम इस पर नहीं हुआ। स्थानीय नेताओं से पूछने पर उन्होंने कहा कि इस जगह पर एक CC रोड डाली जाएगी, लेकिन कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे, सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है। गाँव के लोग काफी परेशान।